से आप लोग, मैं दुर्गेश जायसवाल। सी टेट की ऑनलाइन क्लास जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए सबसे पहले हमारी ई लर्निंग विद दुर्गेश की पूरी टीम की तरफ से सहृदय धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हम पे भरोसा किया है और हमारे साथ जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस भरोसे के नाते हम उन अपने सभी साथियों को जिन्होंने हमारे साथ यूपी टेट की नोट्स लिया था, जिन्होंने यूपी टेट की क्लास ज्वाइन किया था, जिन्होंने सी टेट की क्लास ज्वाइन किया था, उन सभी के लिए हम ये 15 दिवसीय जो क्लास की सौगात लेकर आए हैं, हम इसका लाभ उन सभी साथियों को देंगे। क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है, यदि आप हम पे भरोसा किए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको अंतिम रूप से इस सी टेट की जो चक्रव्यूह है इसे तोड़कर वास्तव में आपको ये दिखाना है कि ई लर्निंग विद दुर्गेश सी टेट में कितना बेहतर परिणाम दे सकता है। वास्तविकता ये है कि सी टेट का परिणाम देने की जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन मेहनत करना आपका है, क्योंकि बिना आपके मेहनत के, बिना आपके सहयोग के यह परिणाम मुझे दे पाना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 1,000 रुपया फीस रखा कि ऑनलाइन क्लास का, और आप लोगों ने काफ़ी समर्थन किया और आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आपका सहयोग मेरे लिए एक सराहनीय पहल भी होगी, क्योंकि आपकी मदद की वजह से हम और बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है, अब हम आपकी तैयारी कैसे कराएंगे? अब आपने जब क्लास ज्वाइन कर लिया है, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, कैसे इसको पढ़ा जाए? आइए हम आपको पूरी रणनीति एक एक करके हम आपको बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ा जाएगा, उसके बारे में पूरी व्याख्या करते हैं। कैसे आपको वीडियो मिलेगी, क्या शेड्यूल होगा, हर एक चीज़ की हम संपूर्ण व्याख्या आपके सामने करने के लिए आ गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा, उसके लिए आपने 63063 नंबर पे कॉल किया होगा, फिर वहाँ से आपने पेमेंट किया होगा, उसकी स्लिप आपने भेज दी होगी। अगर आपके मैसेज रीड नहीं हो पाएंगे तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इतने 1000 मैसेज आते हैं, उन सभी को रीड करने में हो सकता है कुछ देर के बाद वो नीचे चला जाता है, थोड़ी समस्या होगी, लेकिन जैसे ही आपका नंबर आएगा उसे देख कर उस समस्या को दूर कर दी जाएगी। अब आते हैं बात कि आपकी तैयारी कैसे होगी। तो तैयारी करने के लिए हमने एकदम सॉलिड तरीका लेकर आए हैं, क्योंकि इतना दिन का अध्ययन करने के बाद, लगातार सभी वर्ष के पेपरों का अध्ययन करने के बाद, हमने लास्ट में जो एक तरीका निकाला है उस तरीके से इस 15 दिन में पढ़ना है, क्योंकि 15 दिन में सीटेट क्वालिफाई करना ये छोटी मुँह बड़ी बात होती है, लेकिन वास्तविकता ये है इस छोटी मुँह बड़ी बात को सत्यता के रूप में, परिणाम के रूप में भी बदला जा सकता है, यदि तैयारी उस योग्यता के तहत, उस डायरेक्शन में की जाए। मेहनत करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, मेहनत करने की दिशा यदि सही है तो सफलता एक दिन आपकी गुलाम जरूर होगी। तो आइए हम एक एक टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, हम आपको CDP कैसे पढ़ाएंगे। CDP एक ऐसा अध्याय है जहां पे 30 प्रश्न आपके आने हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इस 30 प्रश्न में 15 नंबर आपके शिक्षण के होंगे और 15 नंबर आपके CDP के होंगे। तो 15 नंबर का जो CDP है उसमें भी आपको यूपी टेट की भांति किसी भी फैक्ट को याद नहीं करना है। 5 पॉइंट पढ़ने हैं, थंडेक पढ़ना है, वाइगोत्स्की पढ़ना है, कोलबर्ग पढ़ना है, स्किनर पढ़ना है, ठीक, और जीन प्याजे को पढ़ना है। उसके बाद कोई सिद्धांत आप मत पढ़िए। फिर समय से शिक्षा पढ़ना है, लिंग विभेदीकरण आप लोग को पढ़ना है, लिंग जेंडर जो आप में है। उसके बाद फिर एक टॉपिक छोटा सा है आप व्यक्तित्व, आप देखा होगा आप लोगों ने, उसको पढ़ना है, व्यक्तित्व भिन्नता, और 2 टॉपिक और है उस टॉपिक को केवल पढ़ना है, और वो इस समय कीर्ति मैम आपको पढ़ा रही है, कीर्ति मैम पढ़ा रही है। मापन मूल्यांकन है, ये टॉपिक आप केवल अगर पढ़ लेंगे इस 15 में आप 12 नंबर का निशाना लगा लेंगे, यह टॉपिक आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिर बाकी 15 नंबर का ये पूरा शिक्षण है। शिक्षण आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण वास्तव में काफी बड़ा है, शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां को जो भी क्लासेज हमारी लगेंगी, आपकी जो क्लासेज लगेंगी वो प्राथमिक विद्यालय के लिए लगेंगी, तो कहीं ना कहीं इसका जो पूरा दायरा होगा वो प्राथमिक विद्यालय के लिए होगा। किसके लिए होगा? प्राथमिक विद्यालय के इर्द गिर्द होगा। इस शिक्षण की हम आपको वीडियोज उपलब्ध कराएंगे कीर्ति मैम के, और ज्योति मैम की वीडियोज हैं वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इसमें ज्योति मैम नहीं पढ़ा रही लेकिन उनकी वीडियोज आपको मिल जाएगी, उन्होंने संस्था के लिए इतना किया है वो आपको मिल जाएंगी। दूसरी, यहाँ पे आप इस 30 नंबर में आपको 25 नंबर के लिए ही तैयारी करनी है, 30 में 30 के लिए कह के हम आपको गुमराह नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तविकता यह है 30 में 30 कह के हम आपको गुमराह कर देंगे, बाद में आप 25-22 आए तो फिर आप कहेंगे दुर्गेश सर आपने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि हम उसी बात फोकस करेंगे कि मुझे निरंतर रूप से चलना है। ऐसा नहीं कहा आज हम सीटेट चला लेंगे इसके बाद नहीं चलानी है, इसके बाद में यूपी टेट क्रैश कोर्स चलानी, सुपर टेट की चलानी है, तो इसलिए हमें इस तरह से काम करना है ताकि आप भी गर्व के साथ कह सके कि यूपी सीटेट के लिए वास्तव में ई लर्निंग विद दुर्गेश बेहतर है। आगे आइए,
थोड़ी समय की दिक्कत रहती है बस, बाकी अन्य कोई समस्या नहीं, पढ़ाने कंटेंट या किसी मामले में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा सेक्शन आता है इसका, अगर हम देखें तो आता मैथ का। क्या आता है आपका? मैथ का। तो अगर मैथ की बात करें, गणित की बात करें, तो आपको पता है मैथ में आपके 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 नंबर हम कैसे पढ़ाएंगे, इस 30 में ही 15-15 नंबर हम डिवाइड कर देंगे आपको। 15 नंबर गणित और 15 नंबर का शिक्षण। ये 15 नंबर की जो गणित है मैं आपको 4 दिन में खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है और ये जिम्मेदारी भी है। यहाँ पे मैं आपको आज 2 पोर्शन सेक्शन में पढ़ा दिया। यहाँ पे इस 15 नंबर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे ज्यादा जो फोकस करना है जोड़ घटाना गुणा भाग पे, जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का, भिन्नों का, साथ ही साथ छोटा सरलीकरण पढ़ना है। फिर उसके बाद परसेंटेज बहुत हल्का सा पढ़ना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ना है। औसत आपको आना चाहिए क्योंकि औसत से सवाल आ चुके हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है रुपया, पैसा, समय सारणी, ये आपके अध्याय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूपी टेट की तरह गणित सालों आपको नहीं करनी है। यहाँ की गणित आप 4 दिन की भरी क्लास में आप तैयार कर सकते हैं। इसका जो मेन फोर्स है वो है शिक्षण, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपको गणित कठिन लगती है, गणित में समस्या होती है, तो आप यूपी टेट की गणित में, यूपी टेट की जो गणित होती है वहां पे 30 में 30 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ की अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे तो 30 में आप 28 आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये शिक्षण है और शिक्षण के लिए हमने आपके लिए 300 प्रश्नों की सीरीज बनवा के रखी है, और जो आपको सुबह होने होते होते वो आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद हम उसके व्याख्यात्मक रूप से हल कराएंगे। वह 300 प्रश्नों की सीरीज अगर एक बार आप सॉल्व कर लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को मिलाकर बनाई गई है, उसके बाद आप जब भी कोई पेपर देंगे सीटेट की या प्रीवियस ईयर किसी साल का पेपर देंगे, आप ये अपने आप में पाएंगे कि आपको एक बेहतर परिणाम मिल रहा है, एक बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वो केवल बाल केंद्रित है। कैसी है? बाल केंद्रित, माने बाल को कैसे पढ़ाना है ये आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, बाजार की भी कोई प्रैक्टिस सेट ना लीजिएगा, हम भी बाजार से प्रैक्टिस लेंगे, लेकिन हम इस बात की पुष्टि कर लेंगे कि सबसे अथेंटिक्स कौन सी है, किसके उत्तर सबसे बेहतर है, क्योंकि सीटेट के नाम पे यूपीटेट की प्रैक्टिस आपको नहीं करवानी है। दूसरी बात है, इस 15 नंबर के शिक्षण की मेरी गारंटी, अगर आप 300 प्रश्न को हल कर लेते हैं तो कोई भी सीटेट का या कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आप हर बार 15 में 12 सही करेंगे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन है, क्योंकि मैं आपको पहले पता होगा मेन होती है शब्दावली। अगर आपको सीटेट की शब्दावली समझ में आ गई तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बहुत सारी बातें करने को बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसकी शिक्षण की वीडियो हम आपको एक साथ उपलब्ध करा दे रहे हैं, इसकी वीडियो हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं, इसकी वीडियो हमारे पास है हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं, ताकि हम लोग प्रैक्टिस करते समय हमें समस्या ना आए। शिक्षण की वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी, गणित की वीडियो हम आज रात तक कुछ प्रमुख टॉपिक का हम आज आपको उपलब्ध करा देंगे। रात में जग कर चाहे जैसे भी करके हम आपको ये उपलब्ध करा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपके लिए पहले से वीडियो बनाकर तैयार रखी है, ताकि अब कम समय में आप ज्यादा बेहतर परिणाम दे सके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ईवीएस का। खूब ध्यान समझिएगा ईवीएस का। ईवीएस में भी 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होते हैं, ये भी 2 खंड में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में? 2। 15 नंबर में पर्यावरण आता है और 15 नंबर में शिक्षण आता है। तो हम आपको कैसे पढ़ेंगे, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यह 15 नंबर प्योर एनसीईआरटी आता है, एनसीईआरटी, और इसके लिए हमने एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4, 5 के जो आसपास किताब है उसकी प्रमुख प्रमुख जो बिंदु है वहां के किताबों से हमने आपके लिए 7 वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा दी है। अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा आपको ये वीडियो मिल गई होंगी, अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको 7 वीडियो मिल गई होंगी, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट हैं और 5 आपको वीडियो हैं, एकदम क्रमबद्ध तरीके से, एकदम क्रम से, और उन्हें एक बार आप तैयार करें। लगभग प्रत्येक वीडियो 2-2 घंटे का है, माने 14 घंटे की वीडियो में आप संपूर्ण ईवीएस का 15 नंबर तैयार कर सकते हैं। कितना नंबर? 15 नंबर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक, कितना नंबर? 15 नंबर आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। और बचा ये 15 नंबर, इस 15 नंबर के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी शिक्षण के लिए। तो शिक्षण आपसे ज्यादा तत्पर हम और तैयार थे, हमने क्या किया है, इस शिक्षण के 10 वीडियो आपके लिए पहले उपलब्ध करा दिया है। आपको संभवतः मिल भी गया होगा,
आपको 10 वीडियो, जैसे आपने क्लास ज्वाइन किया होगा अभी हमने 3-4 दिन पहले, उस वीडियो को एक तरफ से हमने बना लिया था क्योंकि मुझे पता था समय कम है और आपको बेहतर परिणाम उसे परिवर्तित करना है, मैंने आपके लिए 10 वीडियो बना दिया था। इस शिक्षण में मैं लास्ट बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको सबसे ज्यादा फोकस करनी है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको करना है NCF पे। किस पे करना है? NCF पे। NCF क्या है? ये NCF 2005 मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से प्रत्येक वर्ष लगभग 30 से 32 प्रश्न आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। RTE 2009 ये सभी शिक्षण है, चाहे पांचों सब्जेक्ट के शिक्षण से यहां से प्रश्न आते हैं, इतना आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगली वीडियो लेकर आएंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा भाषा शिक्षण को कैसे तोड़ते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो उपलब्ध करा दी, ये वीडियो आपको पूरा तत्पर और तैयार, जैसे आप क्लास ज्वाइन करेंगे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। उसके बाद होता है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि वह आपका सबसे बड़ा हथियार है, जहां हम आपको यह सिखाएंगे कि उन चार विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका चयन हम करेंगे सही होगा, क्योंकि परीक्षा हाल में हमें तो यह लगता है कि चार के चारों विकल्प सही हैं। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको लगता है जुड़ना चाहिए, तो आप भी 6306344367 पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इलेनी में दुर्गे के साथ जुड़ना चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम, नहीं कोई बात नहीं। यह वीडियो जब आपको रिकॉर्डेड मिल गई होगी तुरंत, यह वीडियो मैं आपको रिकॉर्डेड उपलब्ध हो गई होगी, भाषा शिक्षण की भी आपने उपलब्ध करा दी है, लेकिन भाषा शिक्षण के बारे में पूरी रणनीति पूरी तैयारी हम इसके बाद वीडियो के लेकर आएंगे। फिर मैं वहां बताऊंगा कि भाषा शिक्षण आपको कैसे तैयार करना, हम आपको कैसे उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद अगला आता है प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए पूरा हमने 1000 रुपये शुल्क रखा है। अब इसके बाद आपको नोट्स कैसे पढ़ना है, इसकी हम आपको नोट्स उपलब्ध करा दे रहेंगे NCERT की, पूरा आपको नोट्स उपलब्ध करा देंगे कक्षा 3-4-5 के आसपास। गणित की नोट्स उसकी विद सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। CDP की बहुत छोटी सी पतली सी नोट्स है, कुछ पेजों की, वो आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। दूसरी NCF 2005 के हम आपको दो नोट्स NCERT पैटर्न का उपलब्ध करा देंगे, उसे आप प्रिंट करा के हल हाल में तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात RTE 2009, अभी इसको हम 1-2 दिन में, इसका थोड़ा सा समस्या है, 1-2 दिन में हम RTE 2009 आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि RTE 9 में 1-2 दिन का हमसे आपसे समय चाहिए, क्योंकि भी नोट्स बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। दूसरा समझ शिक्षा, वो भी यहाँ काम करेगा। बाकी नोट्स एक बार आपको, क्योंकि इसमें हम आपको PDF फॉर्मेट नोट्स देंगे, ऑनलाइन अगर नोट्स मंगाना तो नंबर पे, नहीं तो यहाँ पे हम आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स देंगे। गणित शिक्षण के लिए गणित शिक्षण के लिए हम आपको NCERT गणित शिक्षण उपलब्ध कराएंगे, जहाँ से आप उसे पूरा तैयार करने के बाद आप मेरे द्वारा जो 300 प्रश्न मुहैया कराए जा रहे हैं, आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, एक बार उसे आप सॉल्व करिएगा, एक बार हम उसे सॉल्व करा देंगे। ये क्लासेज आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे, वो क्लासेज उसी टाइम पे प्रतिदिन चलेगी, क्योंकि लाइव क्लासेज हम आपको कम से कम लेंगे, हम आपको रिकॉर्डेड क्लास ज़्यादा इसलिए देंगे, क्यों? क्योंकि हमने आपका पूरा सिलेबस पहले से डिजाइन करके रखा था, ताकि आप जब भी पढ़ते रहें आपको समस्या ना आए। उसके बाद कल के से शाम 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे कंटिन्यू, दो सेक्शन में, जो प्रैक्टिस सेट चलेगा यूपीटेट सीटेट दोनों क्रम से मिलकर चलेगा, और यह जो आपकी लाइव क्लासेज होंगी यह चलेगा आपका लगभग 12:30 से लेकर 3 बजे तक। यूपीटेट जो चलती है मॉर्निंग में 8 से लेकर चलती है आपकी 11 बजे तक, तो जो मॉर्निंग में चलेगी यूपीटेट चलेगी, मॉर्निंग बैच खत्म होने के बाद इंग्लिश चलेगी, इंग्लिश के बाद आपका तुरंत सीटेट चलेगा, सीटेट खत्म होने के बाद संस्कृत चलेगी, संस्कृत की सुबह नहीं चल पा रही, संस्कृत चलेगी यूपीटेट की, फिर उसके तुरंत बाद आप प्रैक्टिस से सोल्यूशन शुरू हो जाएगा। आज भी कुछ देर के बाद थोड़ा सा सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं आपका, इसी वजह से थोड़ी समस्या होने की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए, लेकिन आज रात में पुनः लाइव आएंगे, और ये कारवां तब तक चलेगा जब तक आप अंतरात्मा ये नहीं कह देगा कि हम इस बार सफल हो जाएंगे। हमने 1000 रुपये ऑनलाइन क्लास इसलिए रखा ताकि हर अभ्यर्थी बड़े चाव के साथ जुड़ सके, और जिस दिन परिणाम देंगे उस दिन आप सफलता शोर मचाती है, उस दिन आप हर एक व्यक्ति से कहेंगे आज तो बहुत सारी कमियां, हजारों कमियां नजर आ रही होंगी। दूसरी बात, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो साफ नहीं दिखता, वीडियो आवाज़ कम आती है। अगर आप पे करके देखेंगे 2 घंटे की मेरी वीडियो, 3-3 घंटे की वीडियो आप पूरा देखेंगे, अगर आप पे नहीं किए हैं, अगर निःशुल्क है तो क्या करें पता, उसे स्किप करके दूसरी वीडियो देखेंगे तो उसका परिणाम नहीं निकल पाएगा, आप बड़े गर्व के साथ नहीं कर पाएंगे कि दुर्गेश सर के साथ हम सीटेट क्वालिफाई हुए, मतलब उसके लिए है ये बात कि आप उस वीडियो को पूरा देखें। जो भी हम आपको नोट्स मुहैया करा रहे हैं उसे आप भली बात पूरे ध्यान से पढ़िए, हम भी किताबों से ही निकालते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऊपर से आता है, लेकिन हम कई किताबों से निकालते हैं। आप यहाँ देखेंगे पूरे किताबों का भंडार यहाँ लगा के रखें, जहाँ खड़े हैं जहाँ नीचे जगह है, इसलिए नहीं ताकि अगर आप बेहतर परिणाम देंगे तो आज हम आपके जनपद तक पहुँचे हैं, आज आपने शेयर किया अपने हर एक ग्रुप तक, लेकिन कल प्रदेश के हर एक कोने में हर एक व्यक्ति जानेंगे।
बहुत सारे बड़े कोचिंग संस्थान ने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन गलत करा दे रहे हैं, लड़के कमेंट कर रहे हैं हमें स्क्रीन शॉट भेज रहे हैं सर ये गलती, ठीक है गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मेन फोकस आपको सिलेक्शन दिलाना है। अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके पहले ही हमें उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट के चारों विकल्प सही लगते हैं, उसमें भी सबसे सटीक विकल्प कौन सा है इस विकल्प का चयन करना बड़ा कठिन काम होता है, इसलिए हम आपके लिए तत्पर और तैयार है। इसके बाद यूपीटेट की जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया उन्हें यूपीटेट तो मिलेगा, लेकिन सीटेट भी मुहैया कराएंगे। सीटेट पहले है और सीटेट अगर एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं तो 7 वर्षों के लिए आप पूरे प्रदेश में वैलिड हैं, और सीटेट पास करना मैं बार बार कहूंगा आसान है, बस फर्क इतना होना चाहिए उसकी शब्दावली आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह आपको इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए उन चारों विकल्प में से सबसे सही विकल्प कौन सा है, और इसके लिए इलेनिपी दुर्गेश आपके साथ है, हमारे दिए द्वारा प्राप्त नोट्स और जो वीडियो लेक्चर हम आपको उपलब्ध कर रहे हैं उसे पूरे क्रम से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद हम भाषा शिक्षण को लेकर आएंगे, हम आपके लिए भाषा शिक्षण की तैयारी कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो वास्तविकता ये हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आप सभी को जिन साथियों ने भरोसा किया 1000 रुपये की इस हमारी सीटेट की ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन किया उनको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं और इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि जिस रणनीति के तहत हमने सीटेट की क्लास शुरू की है अगर ये पूरा आपने कर लिया पूरी प्रैक्टिस सेट, हाँ एक बात और प्रैक्टिस सेट आपको स्वयं सॉल्व करनी है 2011 से लेकर 2019 जुलाई तक का, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करेंगे मेरी वीडियो से देखने के बाद नोट्स पढ़ने के बाद तब तक नहीं हो पाएगा। मतलब आप एक दिन में अगर अपने 10 घंटा देते हैं मैं आपको कदमों में सीटेट की मार्कशीट क्वालिफाई दूंगा और सबसे पहले आपको उत्तर कुंजी अथेंटिक उत्तर कुंजी में बताऊंगा। पहले का मतलब बहुत लोग बताएंगे लेकिन अथेंटिक हम आपको बताएंगे, और अगली बार भी आप देख लीजिएगा हमने अथेंटिक उत्तर कुंजी बताई थी जहां से सबसे कम उत्तर हमारे गलत हुए थे आयोग के द्वारा जो आयोग ने जारी किए थे। फिलहाल छोटी मुंह बड़ी बात करने से बेहतर है कि हम परिणाम देने पर भरोसा करें, और मैं उम्मीद करता हूं आप अगर साथ देंगे आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक 1000 रुपये का सीटेट का क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया गया, अगर आपको लगता है एक बार ज्वाइन करके देखिएगा, बहुत सारे आप इधर से पैसे उधर कर देते हैं आपके लिए बड़ी हो सकती है कि मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि आपके सहयोग की वजह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह तब और मेहनत से पढ़ेंगे उस नोट्स की उस लेक्चर की कदर करेंगे, ऐसा हमने देख लिया कई बार कि मेरी वीडियो लंबी हो जाती है लोग को बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप पे करेंगे तो पूरी वीडियो देखेंगे कि यह समय बोरियत का नहीं, इस समय कुछ कर गुजरने का है, कुछ बेहतर करने का। इसलिए हम आपसे इस बात का पुनः वादा करते हैं आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके झोली में इस बार एक ऐसा बेहतर परिणाम डालेंगे आप भी क्या याद करेंगे वास्तव में इलेनी में दुर्गेश ने वो कर दिखाया सीटेट में जिसकी आपको तलाश थी। इसी के साथ आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएं। इसके बाद हम आपको आके बताएंगे कि हम भाषा शिक्षण के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को हम कैसे फोकस करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए ढेरों शुभकामनाएं, वीडियो लेक्चर जो आपको मिल गया उसे आप देखना शुरू कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।